प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 7 का पाठ 3 है, हिंदी में हिमालय की बेटियाँ। इस पाठ को पढ़ेंगे और इस पाठ के जो लेखक हैं वो नागार्जुन हैं। नागार्जुन हिंदी साहित्य के गद्य लेखन की परंपरा में अपना एक विशेष स्थान रखते हैं और इन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो हिंदी साहित्य में जो है बहुत ही सम्मान के साथ, आदर के साथ उसको देखा जाता है। तो इस पाठ में इन्होंने जो है, पाठ का शीर्षक इन्होंने दिया है हिमालय की बेटियाँ। तो ये हिमालय की बेटियाँ जो है, ये एक हिमालय पर्वत से जो नदियाँ निकलती है उसके ऊपर ये पूरा पाठ बेस्ड है। छोटा सा पाठ है, आप इसको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। अगर आपके पास में बुक है तो आप सुनेंगे, यूट्यूब पर सुनेंगे और अपनी बुक में देखेंगे। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इस पर भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। अब ये जो है पूरा पाठ नागार्जुन ने अपने कथा शैली में लिखा है कि भाई, निबंध शैली में लिखा है कि भाई, ये मैंने हिमालय की बेटियों यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में है। तो अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी, संभ्रांत महिला की भांति। संभ्रांत का मतलब होता है जो बहुत ही सभ्य और जो अच्छे परिवार से जो महिलाएं होती हैं उसको संभ्रांत महिला कहते हैं, कि भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। यानी ये जब हिमालय की यात्रा पर गया तो इसने देखा कि गंगा, यमुना और ये जो नदियाँ, जितनी भी सतलुज ये नदियाँ हैं, ये मैदानों में जब होती हैं तब तो ये बहुत बड़ी हो जाती है, लेकिन हिमालय से निकलती है तो ये धाराओं के रूप में, छोटी छोटी धाराओं के रूप में होती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इसका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। यानी कि जब नदियाँ छोटी छोटी होती है तो ये ज़्यादा उछलती हैं, छोटी छोटी धाराओं में, झरनों के रूप में बहती हैं। तो वहाँ पर उन नदियों का जो वर्णन है इस तरह से किया जा रहा है कि हिमालय से जब ये निकल रही होती हैं तो उस समय इनका अलग रूप होता है और मैदानों में जाने के बाद में इनका रूप बिल्कुल ही अलग हो जाता है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देख करके। यानी हिमालय की ये जो बेटियां हैं, जब ये छोटी सी होती है, जब हिमालय से निकल रही होती है, उस समय ये किस तरह का आचरण करती है, किस तरह से उछल कूद करती है, झरनों के रूप में बहती है, इसको ये, इसने जो है महिला का रूप दिया है नदियों को, नदियों को बच्चियों का रूप दे करके ये बात कह रहे हैं। कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता की विराट का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। निकेतन का मतलब घर होता है। अब अधित्यकाएँ और उपत्यकाएँ यहाँ पर देखिए, तो अधित्यकाएँ जो है पहाड़ की ऐसी भूमि जो ऊपर से आती हो, यानी कि ऐसी भूमि जो पहाड़ के ऊपर की साइड हो, और ऐसी भूमि मतलब जो ऐसी अधित्यकाएँ वे होती हैं जैसे जो बादल जहाँ तक होते हैं उसके ऊपर की जो जगह होती है वो अधित्यका होती है, और जहाँ बादल के नीचे की जो जगह होती है वो उपत्यका होती है।
यानी पहाड़ इतने ऊंचे होते हैं कि बादल भी कई बार उनसे नीचे रह जाते हैं। तो वो जो जगह होती है जहाँ तक बादल होते हैं उसके नीचे की जगह तो उपत्यका होती है, और बादल से ऊपर की अगर पहाड़ है तो वो आदित्य का होती है, ठीक है ना। तो ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब वे जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरों, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर ढूंढता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास में रखा ही क्या है। माने ये एक मानवीकरण किया गया है कि भाई बूढ़ा हिमालय तो इनका पिता हो गया और ये जो नदियां हैं उसकी बेटियां हो गई। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चेनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब एक से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है यह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। यानी हिमालय पिता हो गया, ये उसकी दोनों बेटियां हो गई नदियां, और जो समुद्र है वो उनका पति हो गया। तो किस तरह से इन्होंने कितने सुंदर तरीके से जो है मानवीकरण किया है इस पूरे पाठ में इनका। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। कालिदास के विरही पक्ष ने अपने मेघदूत में कहा था, वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यानी बादल और नदी, है ना। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगन के मैदान में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। यानी नदियां बहते वक्त अलग होती हैं, पहाड़ में बहते वक्त बिल्कुल अलग होती हैं, और जब पहाड़ से निकल करके मैदानों में आ जाती है तो बिल्कुल अलग होती है। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थौलिंग तिब्बत की बात है, मन उचट गया था। थौलिंग तिब्बत में एक जगह का नाम है ना। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलुज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया। तो मैं लगा गुनगुनाने, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मोदित मन हटा कुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो ये आपका ये लेसन, आप इसको एक बार अच्छे से वीडियो को देख लेंगे एक दो बार में,
और इस कविता को याद करके किसी भी घर के परिवार के एक सदस्य को सुनाएंगी, याद करके सुनानी है, ऐसे नहीं देख देख के सुनाए। तो एक ये वर्क आपको दे रहे हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन आनंद की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आप इस कविता को पहले याद करें और फिर किसी भी घर वाले जो सुनना चाहता हो उसे सुनाएं। पहले पूछ लेंगे भाई आप सुनना चाहेंगे, कविता में सुनाता हूँ आपको। तो इस तरह से आप याद करके सुनाएं, इस पाठ को अच्छे से समझें, पढ़ लें एक बार, आपके पास बुक है उसमें से। ठीक है ना, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू बेटा।